devil of my work. Come on, boy, move that body. It's tonight, I'm naughty, naughty. It's with me like it's my body. सो हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग अच्छे होंगे गाइस। सो आज के वीडियो को मैं ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ कुछ इस टाइप से गाइस। वीडियो को स्टार्टिंग में आप लोगों को देख ही लिया होगा गाइस, अभी इंस्टाग्राम पे ये वाली जो सॉन्ग है गाइस, मतलब ये वाली जो आवाज है गाइस, ये वाले जो साउंड है गाइस, बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है गाइस। इस साउंड पे जो भी कोई वीडियो बना रहा है कुछ इस टाइप से, या कुछ अलग अलग ट्रेंडिंग टाइप का वीडियो बना के डाल रहा है गाइस, बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, बहुत ही ज्यादा धांसू तरीके से वायरल हो रही है। सो गाइस आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कुछ इस टाइप से एडिटिंग वीडियो को गाइस। सो मैंने कहा कुछ इस टाइप से एडिटिंग किया गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर मिक्स करके और फोटो को भी डाल के एक अलग टाइप का अलग ट्रेंडिंग वीडियो बना चुका हूँ गाइस। तो इस टाइप का आप वीडियो बनाना सीखना चाहते तो वीडियो को मेरा एंड तक देखना, और वीडियो को अभी से कर ले लाइक, हमारे चैनल पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते वीडियो को लेता हूँ स्टार्ट। सो गाइस सबसे पहले आपको काइन मास्टर पे आना है गाइस। देन काइन मास्टर पे आने के बाद गाइस अपने जैसे कि वीडियो को शूट करने के लिए मैंने बोला है कुछ इस टाइप से वीडियो को शूट कर लेना। शूट करने के बाद यहाँ पर इंपोर्ट करना। देन इंपोर्ट करने के बाद गाइस अगर आपको बता दूं गाइस, अगर आपको ब्लैक स्क्रीन वाली वीडियो शूट करना नहीं आता तो यही वाली वीडियो आप देख लेना आई बटन पे अभी जो शो हो रही है गाइस, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा इजीली हो जाएगी गाइस कि आप कैसे अपने वीडियोज को ब्लैक स्क्रीन में शूट कर सके, ठीक है, बिना कपड़े ब्लैक स्क्रीन के अभी। तो यहाँ पर स्टेप से इंपोर्ट करने के बाद गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर देख सकते गाइस जो एक्स्ट्रा पार्ट है गाइस, उसको यहाँ पर सबसे पहले क्रॉप कर लेना, और देन आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट में जाना, एडजस्ट करके यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट और जो सेचुरेशन को हाई कर लेना गाइस। देन यहाँ से हाई कर लेता हूँ मैं, और जिससे कि आपका जो ब्लैक स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली तरीके से लगे, एकदम स्मूथली तरीके से। तो यहाँ पर देख सकते गाइस ये बहुत ही ज़्यादा अब स्मूथ लग रहा है दिखने में, इसको डन कर देता हूँ गाइस। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्ले करना, देन यहाँ पर आपको कट करके हटाना है एक्स्ट्रा पार्ट को। तो कहाँ से आपको हटाना है एक्स्ट्रा पार्ट को वो मैं दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से थोड़ा सा जस्ट आगे यहाँ पर जैसे मैं सर को हाथ रख के ऐसे डाउन कर रहा हूँ, तो वहीं वाली पार्ट को आपको थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान देकर कट करना है। कैची वाले ऑप्शन पर जाकर ट्रिम टू राइट प्लेट कर देना, मतलब इधर वाले पार्ट को मुझे और नहीं चाहिए, यहाँ से इतने दूर तक चाहिए गाइस। देन आपको यहाँ मीडिया वाले ऑप्शन पर जाना है, और डिस्क्रिप्शन में मैं एक लड़की का जो वीडियो का क्लिप का वीडियो लिंक दे दूंगा। हालांकि ये वाली वीडियो पूरी फुल वीडियो है, यहाँ पर मैं पूरी आपको कट करके दिखा रहा हूँ, बट आपको लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ पर आपको कोई कट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप वीडियो को लड़की वाली वीडियो को ऐड कर सकते हो। सो यहाँ से मैं जो कट करके यूज कर रहा हूँ यही वाली पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली गाइज। तो यहाँ से आपको जैसे हाथ डाउन कर रहा हूँ गाइज, वहाँ से आपको ये वाली पार्ट को लगाना है अपने वीडियो के अंदर। तो ये एकदम स्मूथली तरीके से एकदम ध्यान से देखना गाइस वीडियो को, और थोड़ा टाइम लेके बनाना बट परफेक्टली ढंग से बनाना। सो एक बार प्ले करके देख लेता हूँ कि स्मूथली तरीके से बना या नहीं बना ये। सो ये तो लग तो रहा है बहुत ही सही ढंग से गाइस, बट फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर मिसिंग लग रहा है गाइस। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्टेप से एडजस्ट कर लेना अच्छे तरीके से गाइस, एंड एडजस्ट करने के बाद गाइस यहाँ पर आपका वीडियो का जो साउंड को एक्सट्रैक्ट करना, और साउंड को अकॉर्डिंग इस पर मिला लेना गाइस टोटली, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लेना। जैसे मेरे वीडियो का थोड़ा सा स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा पार्ट था उसको मैंने कट कर लिया। देन आपको अब यहाँ पर पूरी तरह एकदम एक बहुत ही ज़्यादा सही ढंग से बन चुके गाइस। यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ गाइस कि वीडियो को लड़की वाले जो वीडियो है उस पर भी थोड़ा सा पार्ट्स को कट करना है गाइस, कौन सा पार्ट कट करना है वो ध्यान से देख लेना। तो यहाँ पर परफेक्टली ढंग से तो हो चुका है हालांकि, और यहाँ पर गाइस ये जैसे यहाँ पर हाथ से ऐसे कट कर रहा हूँ गाइस, वो वाले सीन को आपको यहाँ से हटाना है, और इसके बाद वाली नेक्स्ट वाली सीन में मैं फोटो ऐड करने दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ गाइस, और ये वाली जो पार्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक में। सो यहाँ पर गाइज ये वाले हमारे वीडियो कैनवास्टर में जितना एडिटिंग करने का है वो तो बन चुका है गाइज। यहाँ पर सिनेमेटिक जूम वाली इफेक्ट थोड़ा ट्रांजेक्शन इफेक्ट में लगा देना, ताकि एक थोड़ा सा अच्छा लगे दिखने में, या 4th 5 नंबर वाला जो इफेक्ट है इसको लगा लेना। देन आपको एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाना, एक्सपोर्ट कर लेना वीडियो को, और अब आपको जाना है गाइज। एक्सपोर्ट होने के बाद गाइज VN एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाले गाइज। सो VN एप्लीकेशन आपको यहाँ पर अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो गाइज, और VN एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो चलिए मैं VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। सो ये रही हमारा VN एप्लीकेशन, और VN एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद गाइज कुछ स्टेप्स इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है गाइज, इस पर आपको टैप करना है, देन आपको न्यू प्रोजेक्ट पर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर गाइज वो जो वीडियो अभी आपने अकाउंट मास्टर पर एक्सपोर्ट करी उस वीडियो को यहाँ पर इम्पोर्ट करना। इम्पोर्ट करने के बाद गाइज यहाँ से आपको नेक्स्ट वाले जो ऑप्शन दिख रहा है गाइज, इस पर
जाना है गाइस, देन आपको यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है गाइस, जो व्हाइट वाली जो भी पार्ट है गाइस, इसको आपको डिलीट कर देना। सो यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद गाइस इधर वाले हिस्सा में हमको कोई ज़रूरत नहीं है पड़ने वाली, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देन आपको यहाँ से ये थोड़ा सा अगर लगे तो यहाँ पर सही ढंग से कॉर्फिंग मतलब कटिंग कर लेना। देन आपको अब आपको क्या करना है कि ये वाली जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है इस पर टच करना, और यहाँ पर गाइस फोटोज वाली सेक्शन पे आ जाना। बहुत सारे यहाँ पर फोटो देखने को मिल जाएगा गाइस, आपको अपने अच्छे अच्छे फोटोज को यहाँ पर ऐड कर लेना। सो मैं चले गाइस दिखाता हूँ, मैं फोटोज को ऐड कर लेता हूँ। हालांकि मैं कोई हीरो तो हूँ नहीं, मुझे अच्छा उतना अच्छा फोटो रहेगा, फिर भी मैं ऐड कर लेता हूँ। सो ऐड कर लिया गाइस अपने ही फोटोज को, और यहाँ पर कोई भी एक्ट्रेस का भी फोटो आप ऐड कर सकते हो या किसी का भी। सो मैंने ऐड कर लिया। अब आपको साउंड वाले इफेक्ट का ऑप्शन जाना है गाइस, और म्यूजिक का भी मैं लिंक दे दूंगा। यही वाली म्यूजिक को फिर से आपको ऐड करना होगा इस पे गाइस। और यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस म्यूजिक हमारा इतना दूर तक है गाइस, और म्यूजिक पे कुछ बीट कुछ जो धुन एक आती है गाइस, वो धुन आपको यहाँ पर सुन के आपको एडिटिंग करना पड़ेगा गाइस। तो जैसे कि ये यहाँ पर एक म्यूजिक का जो धुन है गाइज आ रही है गाइज, तो यहाँ पर आपको इफेक्ट को लगाना है। सो यहाँ पर प्लस वाला जो आइकन दिख रहा है गाइज, इस पर आपको टच करना है। देन आपको यहाँ पर वाइट वाले इफेक्ट को लगा देता हूँ गाइज मैं, तो वाइट वाले इफेक्ट को यहाँ पर डन कर देता हूँ। और देन आपको वाइट वाले इफेक्ट तो ठीक ठाक लग रहा है गाइज, और अब आपको ये तो ठीक ठाक है गाइज, फिर भी थोड़ा सा इस पर ये ठीक ठाक है गाइज। अब यहाँ पर आगे जाते ही गाइज, जैसे कि यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं कट कर लेता हूँ, ये यहाँ से परफेक्टली लगेगा। तो इस टाइप से आपको अपने वीडियोज के अंदर इफेक्ट को ऐड करना है गाइज, मतलब फोटोज के अंदर। और यहाँ पर सारे पे जूम इफेक्ट लगा देना है, तो यहाँ से बारी बारी से जूम इफेक्ट में लगा लेता हूँ सब में, और सही एकदम टाइमिंग के साथ कि कहाँ आपका जो म्यूजिक का जो धुन है गाइज वो आ रही है, मतलब म्यूजिक के ऊपर जो झनकार बेस वाली इफेक्ट आ रही है गाइज। शो इस टाइप से मैं कट कर करके लगा लेता हूँ, आप भी इस टाइप से लगा लेना। शो ये इस टाइप से लगाना है, और यहाँ पर बच जाता है मेरा साउंड ख़त्म। और यहाँ पर ही आपको वीडियो को एंड कर देना है, तो ये वाली लेयर को यहाँ से डिलीट कर देना जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है। सो मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब बचा गाइज ये, तो यहाँ से मेरा तो आधा से ज़्यादा मतलब 80% मेरा वीडियो के अंदर काम हो चुका है। अब आपको एफएक्स वाले ऑप्शन पर जाना गाइस। जैसे आप लेयर को टच करोगे तो यहाँ पर एक एफएक्स वाले ऑप्शन मिल देखने को मिलेगा, तो जिसमें आपको लाइटिंग इफेक्ट बहुत सारे इफेक्ट सेक इफेक्ट मिलने वाला है गाइस। शो में यहाँ पर एक लाइटिंग इफेक्ट दे देता हूँ गाइस, ये वाली इफेक्ट, जिससे लगे कि हाँ यार कोई जो वैम्पायर होता है राक्षसिनी होती है उस टाइप से एकदम इफेक्ट लगे, एक सिनेमेटिक मतलब होता है शॉट उस टाइप से लगे। और यहाँ पर गाइज इतना होने के बाद ये वाली थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ मैं बस। और यहाँ पर सारे जो फोटोज पे भी आपको इस टाइप से इफेक्ट्स लगाना है, मैं सब सारे फोटोज पे गाइज मैं सेक इफेक्ट लगाने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग से ही आपको सेक इफेक्ट को यूज करना है, तो इस टाइप से यूज करते हुए सारे जो फोटोज गाइज सब पे फोटोज पे यूज कर लेनी है बारी बारी से। और बस आपका फोटो मतलब आपका जो वीडियो है गाइज ये कम्प्लीटली तैयार होने ही वाली है। जस्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पर और मेहनत करनी है, थोड़ा सा और एक दो मिनट बस यहाँ पर सारे इफेक्ट को ऐड करना है। जैसे कि मेरा सारा इफेक्ट ऐड हो चुका है, ये इस पर भी लास्ट वाली भी फ़ोटो बचा है इस पर ऐड कर लेता हूँ, ये हो चुका है गाइज। सो हमारा सारा वीडियो कंप्लीट बन चुका है गाइज। अब मैं वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ, ये तो देख सकते हैं कम्प्लीटली बन चुका है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, वीडियो हमारा बन चुका है, ऊपर में एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, एक्सपोर्ट करना वीडियो को और पोस्ट कर देना। बस आज का वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बनाने में समझ आ गया, तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना। सो चलिए गाइस मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।